मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झीरम घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि देने झीरम मेमोरियल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात कर शहीदों के याद में 2 मिनट का मौन रखा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि झीरम घाटी की घटना को घटित हुए 10 बरस हो गए। हर साल हम लोग झीरम के शहीदों को नमन करते हैं। जब भी 25 मई आता है, हम सब का दिल भर जाता है। जो बच गए हैं, उन्होंने घटना को अपनी आंखों से देखा। वे बताते थे कि घटना कितनी भयावह थी। इस घटना में शहीद हुए नेताओं ने परिवर्तन की बात कही थी, जिसका शुभारंभ सरगुजा से हुआ था। हमारे नेता कहते थे कि किसानों, आदिवासियों, युवाओं और महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाना है। परिवर्तन का संकल्प लेने वाले हमारे सभी बड़े नेता हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने झीरम में अपनी शहादत दी है। जब भी 25 मई आता है, हम सब का दिल भर जाता है। वो घटना सबकी नजरों के सामने, जो लोग उस घटना के में बच गए थे, जिन्होंने अपने आंखों से अपने लोगों को गिरते देखा, वो सब हम लोगों को बताते रहे। आदरणीय साथियों, 25 मई 2013 यही जगदलपुर से आदरणीय नंद कुमार पटेल जी के नेतृत्व में सारे नेता, कार्यकर्ता और उसके सुरक्षा कर्मी सब साथ में गए थे। सुकमा में कार्यक्रम हुआ, लौटा और एक घटना लौटते। कांग्रेस पार्टी पटेल जी के नेतृत्व में परिवर्तन की बात कर रहे थे, परिवर्तन रैली थी। सरगुजा से इसकी शुरुआत हुई थी, समापन तो रायपुर में होना था, लेकिन बीच में घटना घटी और यात्रा रुकी। आदरणीय पटेल जी अपने भाषणों में कहा करते थे, हमें परिवर्तन करना है, किसानों की जिंदगी में परिवर्तन लाना है, यहाँ के नौजवानों के जीवन में परिवर्तन लाना है, यहाँ के आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन लाना है, यहाँ की महिलाओं के जीवन में परिवर्तन, यहाँ के बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाना है। लेकिन परिवर्तन का संकल्प लेने वाले वहां हमारे बड़े नेता हमारे बीच हुए। मैं इस अवसर पर सभी शहीदों को नमन करते हुए सभी परिजनों को कि इस दुख में पूरी छत्तीसगढ़ सरकार और हम लोग सब साथ में हैं, और जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा तब तक की लड़ाई जारी रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी अमर शहीदों को नमन करते हुए, उनके परिजनों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अमर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। झीरम के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।